1869 में मैक्सवेल जी ने चार इक्वेशन इस्टेब्लिश किया इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट को कनेक्ट करने के लिए। पहला है डेल्टा टी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, रो को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नॉट नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा तो मीडियम की हो जाएगी। ये गास थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टेट का। मैक्सवेल जी का सेकंड इक्वेशन डेल्टा बी जीरो, ये भी गास थ्योरम है मैग्नेटोस्टेट का। मैक्सवेल जी का थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेबा बी बाई डेबा टी, ये थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल जी का, ये फैराडे लॉ है। और फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू इंटू वेक्टर जे, ये करंट डेंसिटी है, प्लस एप्सिलॉन डेबा ई बाई डेबा टी, यही चार इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड याद कर लीजिए, पहले डेल डॉट ई डेल डॉट बी और फिर इन्हीं का क्रॉस, डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस बी, बस यही है, ये चार है। पहला है गास थ्योरम इलेक्ट्रोस्टेट का, दूसरा गास थ्योरम मैग्नेटोस्टेट का, तीसरा फैराडे लॉ है, चौथा एसीएल है एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इसको कैसे डेरिवेट करना है वन बाय वन स्टडी करते हैं। डेरिवेट करने के लिए दो बेसिक टूल्स हैं, एक तो गास डाइवर्जेंस थ्योरम है, दूसरा स्टोक थ्योरम है, जिसको आप लोग वेक्टर एंड थ्री डी में स्टडी किए होंगे फर्स्ट ईयर में। तो गास थ्योरम क्या करता है, ऐसी टेक्निक है जो सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, दो माने एरिया वाले को वॉल्यूम में। और स्टोक क्या करता है, लेंथ को एरिया में, लेंथ वाले इंटीग्रल को या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, ये स्टोक सरफेस उठाकर वॉल्यूम तक पहुंचाता है। क्या है इसको एक बार देख लें और सेट एकदम दिमाग बैठा लें कि गास और स्टोक हो गया। अब पहले इक्वेशन की प्रूविंग कर रहे हैं। पहला इक्वेशन हमने बताया था गास थ्योरम ही है, मैक्सवेल जी का पहला इक्वेशन गास थ्योरम है, उसको स्टेटमेंट लिखा गया इन्वर्टेड कामा में। अब कैसे करना है उसको देख लीजिए। फाई होता है क्यू बाई एप्सिलॉन, अब इसी को सेट करके लिख रहे हैं एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट के, और बेसिक डेफिनेशन लगाकर थोड़ा सा फ्लक्स निकालें ई डॉट डी एस, फिर इसी को इंटीग्रेट कर दें, कंप्लीट आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड में ई डॉट डी एस, तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए गास या स्टोक, तो क्लियर है ऊपर अभी देखा गया था गास थ्योरम लगेगा। लेफ्ट में गास का डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देते हैं और चार को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं। ये हो गया यहाँ तक इक्वेशन नंबर टू। अब गास का डाइवर्जेंस थ्योरम जो पीछे कहा गया थीटा डी एस देख करके, ये अब लगा दिया गया। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये थर्ड इक्वेशन हुआ। अब सेकंड का थर्ड, सेकंड और थर्ड का फर्स्ट में इस्तेमाल करना है, तो ये आसान सी चीज़ें हैं, सब कुछ क्लियर मैटर है। और जब कहीं इंटीग्रल वाला पार्ट जीरो, तो ये तभी जीरो हो सकता है इंटीग्रेशन जब इंटीग्रैंड जीरो, जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन करने चले हैं तो इंटीग्रैंड जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, फाइनली ये आ गया। यही मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन था। इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखना हो तो रास्ते की बात है, बस ई वाला इधर रहने दीजिए और बाकी इधर चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो ये आ गया इंटीग्रल फॉर्म। जो मैक्सवेल के चारों इक्वेशन लिखे गए थे पहले पेज पे जो दिखाया गया था वो डिफरेंशियल फॉर्म है, उसी फॉर्म में ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो लीजिए सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल का, ये भी हमने बताया था गास थ्योरम ही है बट मैग्नेटोस्टेट से एसोसिएट, तो मोनोपोल का कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं, तो नेट फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। अब इसी को लिखा गया धीरे धीरे बढ़ाकर इक्वेशन टू तक, ये आ गया 102 से इक्वेशन थ्री मिल गया। अब यही मैक्सवेल का इक्वेशन है इंटीग्रल फॉर्म में। अब गास का डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दिया लेफ्ट हैंड में, तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी वी हो जाएगा यही लेफ्ट हैंड में। तो गास का डाइवर्जेंस थ्योरम जो टूल्स में दिखाया गया था उसको मन में बैठा ले, उसी बार बार एप्लीकेशन होना, तो ये आ गया प्रूविंग सेकंड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन देखना है, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या है, फैराडे का लॉ है, फैराडे जी का लॉ है जो ईएमआई से रिलेटेड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो क्या है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए बी लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन इस्तेमाल कर लिया,
इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल। तो लाइन इंटीग्रल है नीचे लिख दिया, सरफेस इंटीग्रल के लिए एस, वॉल्यूम इंटीग्रल के नीचे वी लगाया जाता है। तो यहाँ पर वी की वैल्यू स्माली है, ई एम एफ के लिए स्माली लिखा गया, तो स्माली की वैल्यू हो गई है। अब स्टोक थ्योरम लगाना, क्योंकि लाइन से सरफेस तक पहुँचने के लिए वन डिग्री से टू डिग्री में लाने के लिए स्टोक, टू डिग्री से थ्री डिग्री रन कराने के लिए गास, तो स्टोक लगेगा यहाँ। तो स्टोक लिख दिया गया, ये कर्ल के होता है उसी वेक्टर के, कर्ल के सरफेस इंटीग्रल बराबर लाइन इंटीग्रल। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग क्वेश्चन थ्री तक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल करके फ्लक्स निकालना है, तो बी डॉट डी एस छोटा सा फ्लक्स आएगा, इंटीग्रेट करना कंप्लीट फ्लक्स। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फोर उसी की मदद से। अब थ्री और फोर का वन में इस्तेमाल करना है, वन में इस्तेमाल कर लेते, ये चीज़ आ गया यहाँ से आता है। फॉर वैलिडिटी या फिर क्वेश्चन ब्रैकेटेड टर्म, ब्रैकेटेड टर्म या इंटीग्रैंड बोलते हैं, मस्ट बी जीरो, जीरो कर दिया तो ये आ गया आपका, ये मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन अगर देखना चाहते हैं तो ये मॉडिफाइड एसीएल है, पियर्सन कुटला का परिवर्तित रूप है, लिखा गया है इनवर्टेड कॉमा में, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज म्यू टाइम्स ऑफ नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ये सी एल लिखा गया, लेकिन यहाँ पर नेट करंट की बात की, नेट करंट अब हम लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं, नेट करंट किसकी वजह से, कंडक्शन करंट और कंडक्शन करंट होती है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट आई सी प्लस आई डी। कंडक्शन करंट का, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट फार्मूला हम लोग पता है, तो कंडक्शन करंट का फार्मूला हम लोग करंट डेंसिटी के फॉर्म में रखेंगे। तो करंट डेंसिटी की मदद से हम लोग कंडक्शन करंट की वैल्यू निकालिए क्वेश्चन टू तक, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन, ये इक्वेशन थ्री। तो आई सी और आई डी की वैल्यू यानी टू और थ्री की वैल्यू पहले में इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो ये लाइन क्लियर होती चली जा रही है फोर्थ इक्वेशन तक आगे। अब स्टोक थ्योरम फिर से लगा दिया जाए, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल था, इधर सरफेस इंटीग्रल, दोनों बैलेंस करना है, तो इधर लगेगा स्टोक। स्टोक क्या करता है, लाइन को उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस में कन्वर्ट कर देता है। तो बी का लाइन इंटीग्रल था, तो बी का कर्ल और इसी की सरफेस डी एस लगाया गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव। फोर और फाइव की बैलेंसिंग कर लीजिए, बैलेंसिंग करने के बाद आप यहाँ तक आ गए, इस पेज तक, इस लाइन तक पहुँच गए हम लोग। अब सभी टर्म को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ले लिया, ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया आपका, और यही संयोग से फोर्थ इक्वेशन था, इसी के लिए हम लोग परेशान थे। चलिए अगली इसके सब हेडिंग, फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लिखना हो, फ्री स्पेस के लिए चार्ज होता ही नहीं, चार्ज नहीं तो उससे रिलेटेड और टर्म, करंट नहीं यानी करंट डेंसिटी नहीं, और चार्ज नहीं चार्ज पर इंटू वॉल्यूम, चार्ज पर इंटू वॉल्यूम यानी करंट चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी नहीं, यानी क्यू जीरो जे जीरो रो जीरो, और थोड़े चेहरे में परिवर्तन हुआ, एप्सिलॉन के प्लेस पर एप्सिलॉन नॉट और म्यू के प्लेस पर म्यू नॉट एस्टेब्लिश करना है। तो लीजिए अब मॉडिफाइड या न्यू इसका फॉर्म क्या हो गया, डेल्टा टी जीरो डेल्टा बी जीरो, पहला नहीं जीरो होता था लेकिन रो बाय एप्सिलॉन था, रो जीरो जीरो, ये तो पहले से ही जीरो था, और ये हो गया और ये हो गया। चलिए ये चारों इक्वेशन हो गए फ्री स्पेस के लिए, यहाँ तक आप लोग नोट करें, अगला लेक्चर तुरंत मिलने वाला है इसी के जस्ट बाद।